बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। क्लास फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट एक्सरसाइज 5.2। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और यकीनन एक नई एक्सरसाइज और एक नया तरीकाकार इसमें इस्तेमाल होगा, तो टाइम बचाने के लिए मैंने इसको सॉल्व कर लिया हुआ है। और यकीनन तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ कहा गया है कि सम ऑफ द सीरीज अप टू द इंडिकेटेड टर्म्स। अब यहाँ पे सिलसिला इस तरह है कि जैसे 5.1 में हमारी जो टेक्निक थी उसमें से थोड़ी सी वही और थोड़ी सी नई बातें सामने आई हैं। और यहाँ पे सीरीज इस तरह से दी गई है कि 1 मल्टीप्लाई 2, यानी कि ये पॉइंट नहीं है, बेसिकली ये मल्टीप्लाई है और इसके बाद आप देख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर है। इस तरीके से कह रहे कि 50 टर्म्स का सम मालूम करें, जबकि हमने सिग्मा एन स्क्वायर सिग्मा एन क्यूब का फॉर्मूला पढ़ा, लेकिन वहां पे फॉर्मूले के अंदर हमारा जो नंबर है वो नेचुरल वाइज 1, 2, 3 आगे बढ़ रहा है, या तो टोटली वो 1 पावर के साथ है या स्क्वायर या क्यूब के साथ, क्योंकि एक्सरसाइज भी तब्दील हो चुकी है तो तरीकाकार भी तब्दील हो चुका है। तो यहाँ पे हमने इसमें ये कहना है सबसे पहले कि एन इक्वल्स टू 50 और उसके बाद हमें पूरे सीक्वेंस को लेट कर लेना है कि लेट सम ऑफ एन टर्म इक्वल टू एस, और लेट करते साथ ही हमने भी कंसीडर करना है इसके अंदर हमारे पास बेसिकली एपी और जीपी ये दोनों का मिक्सअप है। तो ए अर्थमेटिक सीक्वेंस को शो करता है और जी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस को शो करता है, और इन दोनों का मल्टीपल हमारे पास अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज कहलाता है, जिसे ए जी सीरीज कहा जाता है। तो याद करें, याद रखें कि ये एजी सीरीज इस टॉपिक को कहेंगे हम। और यहाँ पे अब ये दोनों मल्टीपल फॉर्म में दिए गए हैं। अभी हमें करना ये है कि कंसीडर करते हुए जैसे 1, 2, 3, 4 ये एपी के लिहाज से है, इसे हमने ले लेना है यहाँ पे और 2 एन टर्म तक का, यानी कि एक बात याद ये रखनी है कि जैसे कि यहाँ 50 टर्म दी है, आप बेहतर है कि पहले इसको एन टर्म तक का इसका टी एन मालूम करेंगे, बकौल 4 चैप्टर के सीक्वेंस सीरीज के। तो एपी में टी एन का जो फॉर्मूला है आपको मालूम होगा कि ए जो है वो फर्स्ट टर्म है और फर्स्ट टर्म 1 है और एन नंबर ऑफ टर्म है और डी कॉमन डिफरेंस है, यानी कि सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को लेस करेंगे तो 1 आएगा। अब फॉर्मूले में अप्लाई करने के बाद हमारे पास टी एन एन आए, तो याद रखेंगे इसमें बेहतर होगा कि इस क्वेश्चन का जो तरीकाकार है कि आप इसकी टी एन फॉर्मूला अप्लाई करते हुए आप इसका टी एन एपी के हिसाब से जो नंबर मल्टीपल में चल रहे हैं उसको लेंगे, और जो सेकंड नंबर है जैसे कि 1 मल्टीप्लाई 2 है तो या 2 का स्क्वायर है या 2 का क्यूब है, इसी तरह 2 की पावर 4 है, तो यहाँ पे ये जीपी सीक्वेंस कहलाएगा। और इसमें हम टी एन इसका फॉर्मूला होता है ए आर एन माइनस 1 पावर के साथ, और यहाँ पे हमें बेसिकली यहाँ पे फर्स्ट टर्म हमारे पास 2 है और यहाँ पे डिफरेंस के बजाय कॉमन रेशियो होता है, इसमें सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से जैसे डिवाइड करते हैं तो कॉमन रेशियो आ जाता है। फॉर्मूले में अप्लाई करने के बाद हमारे पास टी एन 2 की पावर n आ चुका है, क्योंकि यहाँ पे 2 की पावर n-1 था और 2 बेसिस सेम होने के बाद -1 + 1 से कैंसिल हो गया। इसके बाद अब फाइनली जैसे कि हमने कहा और यहाँ पे लेट करके s कह देना है इसको, और पूरे सीक्वेंस को अब हमारे पास तब्दीली ये आई कि अगर हम ऊपर देखते हैं तो 50 टर्म दी है और इसको हम n को 50 रखा हुआ है और दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे आपने चूंकि क्वेश्चन 2 तरह के दिए जा सकते हैं तो हम ऐसा तरीका करें कि दोनों ही हमारे कवर अप हो जाए। अगर फर्स्ट करें यहाँ 50 टर्म नहीं देते और कहते हैं कि यही सीक्वेंस है आप एन टर्म तक का सम बताएं, तो फिर ये ट्रिक उसी के मुताबिक चलेगी, और 50 टर्म्स दे दें तो एंड में एन की जगह हम 50 रखेंगे तो दोनों टेक्निक्स हमारी इस क्वेश्चन की कवर अप हो जाएंगी। तो जैसे कि ये बात फिर मैं रिपीट कर देता हूँ कि एस हमारे पास वही जो क्वेश्चन था और 50 टर्म की बजाय हमने अब यहाँ पे क्या लिखना है कि हमारा जो मल्टीपल के हिसाब से टी एन टर्म थी वो एन है और जीपी के लिहाज से टी एन टर्म 2 की पावर n है, तो दोनों को हमने यहाँ पे लिखना है और इसको नंबर 1 कहते हुए। अब ये बात याद रखनी है आपने कि हमारे पास जो कॉमन रेशियो होता है इस क्वेश्चन की टेक्निक और इसका सम मालूम करने के लिए, जो इसका कॉमन रेशियो है वो जो भी होगा, जैसे यहाँ पे 2 निकला है, हमें बोथ साइड 2 को मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई जैसे ही करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एस के साथ 2 आ गया और यहाँ पे 1 × 2 की पावर 1 थी तो स्क्वायर बन गया या क्यूब बन गया या 4 बन गया और यहाँ 5 बन गया, यानी कि हमारा ये वाला जो फर्स्ट रिलेशन था इसमें 2 मल्टीप्लाई करने से एक तरह से यहाँ पे सिलसिला कुछ इस तरह से हो जाता है। स्पेशली अगर आप यहाँ देखें 2 की पावर n है तो यहाँ पे 2 की पावर n+1 मैंने कर दी, और क्योंकि कि जब हम इसको कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करते हैं तो बुनियादी तौर पर हर नंबर जब 2 से मल्टीप्लाई होता है तो 2 की पावर 1 इंक्रीज हो जाती है, तो ये भी लाजमी तौर पर इंक्रीज हो जाएगी, और यही इसकी लॉजिक है कि यहाँ पे जो भी पावर होगी उसमें 1 + पावर 2 के लिहाज से बढ़ जाएगी, और इसे स्टेटमेंट नंबर 2 कहेंगे। फिर उसके बाद नाउ सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम नंबर 1। अब नंबर 1 जो है वो आपने ऊपर ही रखना है और सब्ट्रैक्ट करना है नंबर 2 से, और 2 को इस तरह से रखना है कि जैसे यहाँ पे 1 × 2 लिखा हुआ है तो यहाँ पे जैसे ही हम मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोसेस हमारा इस तरह से होता है कि यहाँ पे हमारे ऊपर जो 1 × 2 दिया है इसके मध्य में काबिल कोई भी टर्म नहीं रहती, बल्कि सेकंड टर्म के नीचे इसकी फर्स्ट टर्म आ जाती है, और एक तरह से देखा जाए तो हमारे पास अगर ये फर्स्ट कर लें कि एक कंसीडर कर लेते हैं कि अगर ये 10 टर्म है तो जब हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से टर्म नीचे से खत्म हो गई और वही जो है लास्ट टर्म से एक टर्म आगे चले जाती है, जैसे 2 की पावर
एन प्लस वन आई जो कि ऊपर आई हुई थी। तो यानी कि अगर हम एक बात देखते हैं कि दोनों को जैसे कंबाइन करेंगे तो हमारे पास एक टर्म बढ़ जाएगी। इसके लिए मैं एक मिसाल दे देता हूँ, आपको बड़ा अच्छा समझ में आ जाएगा। फर्स्ट करें कि ये हर टर्म अगर ट्रेन का एक डिब्बा है तो फर्स्ट करें कि टोटल 10 डिब्बे हैं और यहाँ पे भी 10 ही डिब्बे हैं, लेकिन क्या है कि हमने एक डिब्बा इसे ट्रेन को आगे बढ़ा दिया। और अगर हम गिनना शुरू करते हैं तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा और लास्ट में एक 11 आ जाएगा। तो एक तरीके से एक टर्म हमारी इंक्रीज हो जाती है। तो ये बात आपको मुमकिन है कि अपने तौर पर समझे या टीचर भी समझाए तो ये बात समझ में ना आए। तो याद रखें कि यहाँ के मुकाबले में हर बार यहाँ पे एक टर्म बढ़ जाया करेगी जैसे ही हम कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद हमें इसकी साइन को चेंज करते हुए इनका डिफरेंस लेना है। जैसे -1 ऐसा आ गया और ये सेम टू सेम आ जाएगा, चूंकि इसके नीचे अगर है तो सिफर है। और बाकियों का डिफरेंस लेने के बाद हमें यहाँ पे फायदा ये होता है कि इस प्रोसेस के अंदर हमारे पास जो है वो एक जैसे नंबर आने शुरू हो जाते हैं। जैसे 1 × 2^1 है और 1 मैंने लिखा नहीं है, चाहता तो मैं लिख भी सकता था क्योंकि 2 × 2^2। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि ये किस तरह का प्लस माइनस हो रहा है। तो बुनियादी तौर पे अगर यहाँ पे 2x² लिखा होता तो क्वेश्चन ज्यादा अच्छा समझ आ जाता। या 1x² होता तो क्या होता कि 2x² में से 1x² लेस करते तो 1x² आता। लेकिन यहाँ पे ऐसा है कि 2² x² की जगह रिप्रेजेंट कर रहा है और हमने 2 में से 1 लेस किया, तो यहाँ मैंने 1 नहीं लिखा। जैसे यहाँ 1 है, अगर लिखा जाता तो 1 होता, यहाँ पे भी 1 होता, यहाँ पे भी 1 है। अब सिलसिला ये है कि जैसे कि ट्रेन की मिसाल आपको दी तो एक डिब्बा ये आगे हो चुका है, तो अब यहाँ पे अगर नीचे कुछ भी नहीं है तो यहाँ डिब्बा इसके ऊपर कुछ नहीं है। तो कहने का मतलब है कि इस टर्म्स को आपने छोड़ देना है, जो कंबाइन आपको मिल रही है उसका आपने डिफरेंस ले लेना है। इसी तरह जैसे फर्स्ट टर्म सेम आ गई, इसी तरह लास्ट टर्म आपने सेम टू सेम उतार देनी है। अक्सर बच्चे याद रखें कि मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक माजी में भी अगर कोई ये क्वेश्चन काफी बच्चे को मुश्किल लगता था, लेकिन कोई मिस्टेक अगर करता था तो वो इस वाले हिस्से पे करता था। जैसे ये प्लस से क्या हुआ माइनस, तो यहाँ साइन या तो चेंज नहीं करता था या चेंज करके भी यहाँ पे गलती से प्लस में लिख दिया जाता था। ये सेम टू सेम आ जाएगा। अब यहाँ पे प्रोसेस ये हुआ है कि हमारे पास ये सिर्फ और सिर्फ जीपी आ रहा है, और जीपी किस तरह से है कि इसमें जो है वो स्टार्टिंग में 1 नंबर है और सेकंड मल्टीपल नंबर 2 × 2^2 × 3। तो यहाँ पे अब हमारा SN का R ग्रेटर वाला फॉर्मूला यूज होना है, क्योंकि इसका कॉमन रेशियो जो है वो हमारे पास 2 आ रहा है, जो कि हमने ऊपर भी निकाला था, उसी तरह से नीचे भी 2 आएगा। A हमारी फर्स्ट टर्म होती है, जैसे 1 × 2 आ जाएगा तो 2 हमने ले लिया। और यहाँ पे अब जो 2n टर्म तक का सम निकालना है, तो हमने ऊपर जैसे कि n को 50 बोला है, तो अब यहाँ पे हमने r की जगह 2 और n की जगह 50 − 1 रख लिया। और जैसे कि ये टर्म हमारे पास इस टाइप के हर क्वेश्चन में इस तरह की कोई ना कोई टर्म आएगी, यहाँ पे −50 n की जगह 50 और 2 की जगह 50 + 1 यानी कि 51 हो गया। और इसके बाद जैसे ही हमने माइनस के बाद इस प्रोसेस को देखा और देखने के बाद ये कि ये दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास बेसिस सेम पावर एड हो जाती है। लेकिन चूंकि यहाँ पे सिलसिला कुछ इस तरीके से था कि हमने इसको इससे मल्टीप्लाई किया और करने के बाद हमारे पास जो है वो यहाँ पे ये 2 मल्टीप्लाई होकर 51 पावर आ सकता था, लेकिन इस तरह हमने नहीं किया। यहाँ पे हमारे पास बेसिकली यहाँ पे जो 2 था वो भी होना चाहिए था, और यहाँ पे 2 × 2^50 यानी दोनों मल्टीप्लाई हुआ और उसके बाद 2 × 1 = 2 हो गया। और जबकि यहाँ पे 2 × 51 और 50 लिखा हुआ है। अब यहाँ पे करना इस तरह से है कि हमारे पास चूंकि 2 × 50 की क्वांटिटी 2 है, तो यहाँ पे हमने जो 2 × 51 था 2 × 50 करते हुए एक 2 को हमने यहाँ पे 1 पावर के साथ लिख लिया। और बुक का आंसर भी लाना है और उसको लाने के लिए हमें ये प्रोसेस करना पड़ेगा, वरना बेसिकली ये कंप्लीट भी सॉल्व हो सकता था, लेकिन बहरहाल पावर चूंकि बहुत बड़ी है तो 50 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 100 हो गया। अब जैसे कि यहाँ पे मैंने 2 को अलग ही रखा हुआ है, और इसलिए रखा हुआ है कि 2 × 50 की क्वांटिटी 100 है और 2 × 50 की क्वांटिटी 2 है, तो दोनों का जैसे ही डिफरेंस लेंगे और ये -2 यहाँ पे हमने मूव कर दिया तो -98 आ जाएगा। और याद रखेंगे -98 मल्टीप्लाई 2 × 50 और -2 है, लेकिन ये दोनों प्लस इसलिए हुआ है कि ये दोनों माइनस थे, तो यहाँ पे एस माइनस में दिया था तो मल्टीप्लाई माइनस बोथ साइड हो गया, चूंकि पेज हमारा खत्म हो रहा था। तो यहाँ पे ये समझाने के लिए याद रखें कि मैंने बोथ साइड यानी कि एक स्टेप आप और कर लीजिएगा, जिसमें यहाँ माइनस और यहाँ पे भी माइनस और यहाँ पे भी माइनस होगा, तो हम -1 को बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये आंसर आ चुका है। अब हम फौरी तौर पर सेकंड क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। बिल्कुल हमारा उसी अंदाज से ही है, लेकिन यहाँ पे हम ये बात जरूर कर सकते हैं कि 1 टर्म इस बार आपको अलग करना पड़ेगा इसको। वो उसकी बुनियादी वजह यह कि पहले पूरा सीक्वेंस एक ही टेक्निक से था, यानी कि यहाँ 1 × 5 था, फिर 2 × 5 था, फिर 3 × 5² था, लेकिन यहाँ 5 नहीं है। तो याद रखें कि पहले क्वेश्चन के बाद दूसरे क्वेश्चन में ही आपको ये एक तरह से धचका दे दिया गया है कि आप पहला कर लेंगे तो दूसरा करने में नाकाम हो जाएंगे। वो उसकी बुनियादी वजह यह है कि यहाँ पे चेंजिंग है, तो नोट करें कि 1 के साथ जो है कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, जिसकी वजह से यहाँ पे इस बात को फोकस करना है कि यहाँ तब्दीली आएगी। मैंने अपना सलूशन बिल्कुल उसी तरह से बनाया जैसे नंबर 1 बनाया कि एन को 30 ले रहे हैं जो कि 30 है, लेकिन हम जो है क्वेश्चन के एंड में एन की जगह 30 रखेंगे। लेट कर लिया सम ऑफ एन टर्म एस के इक्वल, जो कि हम बाद में कहेंगे। वी कंसिडर अब जैसे 1, 2, 3, 4 है, तो पहले हमने इन नंबर्स को ले लेना है जो कि एपी के लिहाज से, और इसका एन टी एन का फॉर्मूला यूज करते हुए हमने जैसे पहले किया था उसी तरीके से
ए और डी एक तरह से अगर 1 2 3 4 चल रहा है तो हमारा टी एन जो है वो एन ही आता है डायरेक्ट। आप एम सी यूज भी आए तो इसको करने की सलाहियत रखें। बाकी मैंने यहाँ पे ए को 1 डी को 1 रखते हुए इसको शो कर दिया। अब उसके बाद जीपी के लिहाज से देखें तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि 1 × 5 नहीं है तो 5 की जगह 0 है और उसके बाद 5 5 2 5 3 तो ये जीपी के लिहाज से जो है दिया हुआ है। और यहाँ पे हमने टी एन का फॉर्मूला लगाया और लगाते हुए एक बात जो कि यहाँ पे 5 नहीं था, 1 × 5 होता तो बिल्कुल पहले की तरह क्वेश्चन होता, लेकिन क्योंकि पहली टर्म इन्होंने नहीं दी तो एक तरह से हम ये बात कह सकते हैं कि इन्होंने अगर हम कंसीडर करें वैसे तो 30 टर्म का सब मालूम करना है तो जीपी वाइज जो है हमें 29 टर्म दी है, एक टर्म हमें कम दी है क्योंकि एपी में तो 1 2 3 4 करके सिलसिला चल रहा है जबकि जीपी के अंदर जो है वो हमारा फर्स्ट टर्म के अंदर 5 कुछ भी नहीं है जिसकी वजह से ये प्रोसेस आगे नहीं चलेगा। यानी कि ये प्रोसेस में 1 की फर्स्ट टर्म में 5 की कमी रहेगी। ठीक है, कहने का मतलब मेरा ये था और यही तब्दीली हमें यहाँ पे इस तरह से फेस करनी है कि आगे हमने लिखा था 2n टर्म, अब लिखेंगे n माइनस 1 टर्म। तो मैं भी बड़े अरसे बात कर रहा हूँ चूंकि यकीनी तौर पर 12-13 साल बीच में से ये टॉपिक वाइब रहा, लेकिन इससे पहले चूंकि ये टॉपिक मौजूद था तो उस वक्त भी बच्चों को काफी मुश्किल होती थी, लेकिन इस बार इन्होंने एक 4 के बाद 5 चैप्टर लगा के ए जी सीरीज आपको दे दी हुई है। तो अब n को n माइनस 1 लेना है और फॉर्मूला अप्लाई किया तो n की जगह हमने n माइनस 1 रखा और इससे आपके पास सिलसिला इस तरह हो गया कि बेसिस सेम है, ए भी चूंकि 5 है, साइड पे सब कुछ लिखा है, r कैसे आ रहा है यानी कि रेशियो सेकंड टर्म को आप सेकंड टर्म 5 का स्क्वायर है 25 कर दिया, यहाँ आप 5 स्क्वायर करेंगे फिर भी वही आएगा तो फर्स्ट टर्म से डिवाइड करते हैं तो 5 आ जाएगा। आप पूरा हमने सॉल्व किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कहीं पे भी प्रॉब्लम हो वीडियो को स्टिल करें देखें पावर तो माइनस 1 5 की पावर एन माइनस 1 आ चुकी है। और उसके बाद हमने एस कह दिया जैसे कि हमने यहाँ पे लेट किया था और लास्ट में हमने जो है वो जो लास्ट टर्म हमारी दोनों टी एन ए पी और जीपी के लिहाज से आई है वो यहाँ पे लिखना है और लिखते हुए यहाँ पे इस 2 को हटा के इसकी जगह प्लस कर दीजिएगा ज्यादा बेहतर है क्योंकि ठीक है ना तो एक सिलसिला है जो सीक्वेंस सीरीज को प्लस में लिखा जाता है फिर मल्टीप्लाई करना है 5 ऑन बोथ साइड तो वही पहला वाला प्रोसेस है कि हर टर्म 5 से मल्टीप्लाई हो रही है और लास्ट में देखें पहले n माइनस 1 था 5 की पावर n आ गई क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई करता हूँ तो माइनस 1 के साथ प्लस 1 करके कैंसिल हो जाएगा। सबट्रैक्ट 2 को 1 से करना है और 1 को ऊपर रखा और 2 को नीचे रखा और बिल्कुल वही प्रोसेस हो रहा है लेकिन इस बार यहाँ पे भी ऐसा प्रोसेस हो रहा है कि जो पहली टर्म है ये इस सीक्वेंस ये मतलब 1 के बाद आगे पूरा सीक्वेंस बिल्कुल पहले की तरह चल रहा है। तो इस बार हमने क्या करना है कि इस 1 को जो है ना वो सेपरेट कर लेना है और सेपरेट करने के बाद यहां से जैसे मैंने ब्रैकेट लगाया है आखिर तक और चूंकि ये भी बात आप समझने की अच्छा ये फॉर्मूला मैंने ऊपर लिख दिया बाई मिस्टेक लेकिन आप नीचे लिखिएगा क्योंकि पहले आपको तैयारी करनी है फॉर्मूले से पहले तो ये बीच में लिख लीजिएगा इसके बाद। लेकिन यहाँ पे अब ये है कि पहले जो क्वेश्चन था 2 एन टर्म मैंने बोला अब एन माइनस 1 बोला ये भी बात समझने वाली है तो समझा देता हूं मैं। तो देखें हमारे पास पहले जो था पूरा सीक्वेंस जो है वो इस तरह से बना था और हर टर्म ने शमूलियत और उसमें अपनी जगह बनाई थी लेकिन इस बार हम पहली टर्म को अलग कर रहे हैं तो एक टर्म हमारी कम हो रही है। जैसे अगर हम कंसीडर बार बार यही कर रहे हैं कि अगर 10 टर्म है तो एक टर्म हमारी सीक्वेंस से निकाल दी गई चूंकि वो जीपी नहीं बना पाई, ये जीपी है हमारे पास तो अब जाहिर सी बात है अगर 10 टर्म हम कंसीडर कर रहे हैं तो ये 9 टर्म है तो 10 में से 10 में से 1 लेस करेंगे तो 9 आ जाएंगी। तो लिहाजा पहला और सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे है कि आपके सिक्के के दो रुख हैं कि अगर वो करेंगे तो उस टाइप का कवर हो जाएगा लेकिन ज्यादातर आपको इसी तरह के मिलेंगे क्वेश्चन और आज मैं आपको ज्यादा नहीं समझा रहा, 2 क्वेश्चन को देखें इसे बार बार करें और इसके बाद आगे इंशाल्लाह आपकी खिदमत में वीडियो बनाता रहूंगा और इस चैप्टर को कंप्लीट करूंगा। इसके लिए चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। अच्छा यहाँ पे अब फर्स्ट टर्म आपकी 5 है उसके बाद वही सिस्टम है कि एन को अब यहाँ पे तो हमने 30 लिया था बल्कि हमें फाइंड करना था 29 क्यों आया कि एक टर्म हमने यहाँ से निकाल दी है जो कि सीक्वेंस नहीं बना सकी सीरीज नहीं बना सकी और लास्ट टर्म बिल्कुल उसी तरह से आ गई है लेकिन चूंकि यहाँ 5 की पावर एन आ रही थी तो हमने 30 लिखा और फर्दर हमने जब इसको लेस किया और लेस करने के बाद नीचे 4 आया तो इसके बाद हमारे पास माइनस 4 ऐसा आ गया और एलसीएम जैसे ही हमने लिया तो यहाँ पे 4 और हर नंबर 4 से मल्टीप्लाई हुआ जैसे ये 30 था तो 120 हो गया क्योंकि 4 से मल्टीप्लाई हुआ और फिर जैसे कि 5 की पावर 30 है तो यहाँ पे हमारे पास 5 की पावर 30 है लेकिन चूंकि 120 माइनस में है तो प्लस 1 जब यहाँ पे कुछ नहीं लिखा होता तो 1 होता है तो 1 लेस करेंगे तो माइनस के अंदर 119 5 की पावर 30 आ जाएगी जबकि 5 में से 4 लेस करेंगे तो माइनस 1 आ जाएगा। अब ये माइनस है ये दोनों भी माइनस है तो इनकी साइनें चेंज हो जाएंगी और 4 नीचे जैसे ही आएगा तो 4 4 16 हो जाएगा। इस तरीके से हमारा ये पूरा का पूरा बुक से आंसर मैच हो गया। तो तब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें जैसे कि पहले भी कहा और इसमें भी ये कहा कि फाइंड द सम ऑफ द सीरीज। अब यहाँ पे हमें इस सीरीज का सम मालूम करना है और याद रहे कि जो सीरीज है हमारे पास तो चैप्टर नंबर 4 से जैसे कि पहले भी कहा था इसका ताल्लुक है तो यहाँ पे एपी और जीपी का मल्टीपल सीरीज हमें दी होती है जिसे हम अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज कहा जाता है और जैसे एपी जीपी और इसको अगर रिप्रेजेंट करें तो इसे हम एजी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे हर टर्म के अंदर एपी और जीपी का मल्टीपल दिया हुआ है और इस तरीके से दिया हुआ है कि आपको दोनों को सेपरेट करना है एपी और जीपी को अलग अलग
और 30 टर्म का सम हमें मालूम करना है यहाँ पे। लेकिन याद रखें कि मैं क्वेश्चन को आपको इस तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि अक्सर उकात यहाँ पे 30 के बजाय ये कह देते हैं कि फाइंड द सम ऑफ एन टर्म। तो अगर हम एन टर्म को फाइंड आउट करते हैं, इससे ये फायदा है कि अगर कल को यहाँ पे एन टर्म या ऐसे क्वेश्चन मौजूद भी है, जैसे इसे आगे वाला क्वेश्चन ऐसे ही दिया है कि वहां पे एन टर्म दिया है, तो अगर हम 30 टर्म के लिहाज से करें या एन टर्म के लिहाज से करें, तो एन टर्म जो है वो 30 को भी कवर कर जाएगा। और इसीलिए हम यहाँ पे 30 टर्म के बजाय एन टर्म को सपोज करते हुए यहाँ अपने ध्यान में रखते हुए हम इसका सम निकालते हैं, एंड में एन की जगह 30 की वैल्यू रखते हैं, हम उसका सम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब जैसे कि यहाँ पे भी कंसिडर 1, 3, 5, 7 बुनियादी तौर पर, जैसे कि APGP का ये मतलब हर टर्म एक दूसरे के मल्टीपल है, तो 1 है तो यहाँ 3 है, 5 है, 7 है, तो ये हमारे पास जो है वो आपका EP है जिससे हमने वी कंसिडर करना है टू एन टर्म। जैसे कि यहाँ 30 टर्म है, टर्म्स का एक इश्यू रहता है, कहीं एक टर्म कम हो जाती है और कहीं पूरी 30 टर्म आती है, इसी वजह से मैं इसे एन टर्म वाइज कर रहा हूँ। और एन टर्म्स में इसमें जैसे हमने यहाँ पे लिखा, तो जैसे हम चैप्टर नंबर 4 सीक्वेंस एंड सीरीज में एन टर्म मालूम करते हैं, तो AP के लिहाज से चूंकि यहाँ पे हर नंबर का डिफरेंस सेम है, यानी कि आपका 2 का डिफरेंस आ रहा है, तो हमने A फर्स्ट टर्म होती है और D कॉमन डिफरेंस होता है सेकंड टर्म में से फर्स्ट क्लास की, तो हमारे पास 2 आ चुका है। और N को N ही फिलहाल कहेंगे, बाद में N को 30 कह देंगे। और TN का फॉर्मूला यूज करते हुए, और याद रहे कि बाज बुक के अंदर या बाज मुख्तलिफ कंट्रीज में इसको AN भी कह देते हैं, बहरहाल होता ये TN टर्म ही है। और जैसे हमने वैल्यू रखी और डिफरेंस रखा, तो 2N माइनस का 2 आया, माइनस 2 में से 1 लेस किया तो 2N माइनस 1, यानी कि ये हमारे पास TN टर्म आ चुकी है। और इसी तरह यहाँ पे GP का जो रेशियो वाइज मल्टीपल दिया हुआ है, और यहाँ पे 1/2, 1/2² 1/2 का क्यूब, इसको भी हमने भी कंसिडर किया और यहाँ बताया कि ये GP है और A इसकी फर्स्ट टर्म होती है और R कॉमन रेशियो, यानी कि यहाँ पे सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे तो रेशियो आ जाएगी। और TN का फॉर्मूला यूज करते हुए हमने वैल्यू रखते हुए फर्स्ट टर्म हमारी 1 है, यानी कि A और 1/2 रेशियो है, और जैसे ही हमने यहाँ पे उसकी पावर रखी है -1, लेकिन यहाँ पे हम इस तरह से कर रहे हैं कि 2 को नीचे से ऊपर लेके जाते हैं तो इनकी पावर की साइन चेंज हो जाती है, क्योंकि अपॉन ना रहे इस वजह से हमने 2 को ऊपर लाते हुए उसकी पावर की साइन को चेंज कर दिया। इस तरीके से अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज का हमने AP का TN और रेशियो यानी कि GP का दोनों का मल्टीपल फॉर्म यहाँ पे दी हुई थी, तो हमें इसकी लास्ट टर्म याद करते हुए कि S 1, 3/2 जैसे कि ऊपर क्वेश्चन दिया है, लेकिन लास्ट टर्म अब हमने फाइंड आउट कर लिया है, ये AP के लिहाज से आया था 2N-1 और ये GP के लिहाज से आया था। यकीनी तौर पे ये क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा प्रैक्टिस करने वाला है, जो आप यकीन माने कि इस क्वेश्चन को करते वक्त मुझे अच्छा खासा टाइम लगा, क्योंकि स्टूडेंट को पढ़ाते हुए एक खास खूबी होती है और उसमें कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा होता है जिसमें गलतियां नहीं होती, लेकिन विदाउट स्टूडेंट्स जब हम भी क्वेश्चन करते हैं तो इसमें काफी गलतियां होती हैं। तो आप यकीन मानिए कि इतनी बार इस क्वेश्चन को करना पड़ा, कभी कोई नंबर मिस हुआ, कभी कोई नंबर मिस हुआ, क्योंकि स्टूडेंट जब सामने बैठे होते हैं तो यकीनी तौर पर वो पॉइंट आउट कर देते हैं कि सर यहाँ 7 मल्टीप्लाई नहीं हो रहा या कोई मिस्टेक हो रही होती है, तो इसे इल्म होता है कि स्टूडेंट के बगैर थोड़ा सा पढ़ाना काफी मुश्किल हो जाता है। तो अभी इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, तो यहाँ तक हमने बात कर ली थी, और याद रखें कि क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की तरह जो इसका रेशियो होता है, जैसे यहाँ पे GP में 1/2 है जो कि इसकी टेक्निक है, और ये आपको याद रखनी है, इसको ध्यान में बिठाना है कि मल्टीप्लाई जो कॉमन रेशियो आ रहा होगा हमने बोथ साइड इसको मल्टीप्लाई करना है, इससे एस को भी मल्टीप्लाई कर दिया, 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1/2, इसी तरह सबसे मल्टीप्लाई करते हुए लास्ट टर्म में आपने ये बात नोट करनी है अच्छी तरह कि 2^1 - 10 थी, और जब 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो मैंने थोड़ा सा इस तरीके से किया है कि 2^-10 इसलिए आ गई कि जब 1/2 हमारे पास होता है तो 1/2 को जब हम 2 को ऊपर लेके जाते हैं तो इसकी पावर -1 आ जाती है। अब जैसे कि यहाँ पे हमारे पास माइनस हमने एन लिखा 2^, जैसे यहाँ देख रहे हैं आपको नजर आ रहा होगा, तो अगर यहाँ पे ऑलरेडी 2^1 - n थी तो जब 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर आने के बाद 1 - n और 2^-1 आ जाएगी, जिससे कि क्या होगा कि एक साथ लिखेंगे तो इस तरीके से 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा और 2^-n आ जाएगी। तो ये जो आप स्टेप देख रहे हैं यानी कि इस जाने, तो ये बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ से आया हुआ है। तो कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करनी होती है जिसके लिए यहाँ पे पेज रखे हुए हैं जिससे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। और इस तरीके से आपका ये सेकंड रिलेशन है, इसको फर्स्ट कहना था, गालिबन बताना याद नहीं रहा, इसे 1 कहेंगे, इसे नंबर 2 कहेंगे, और सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 वाले को नंबर 1 से, ठीक है ना, सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम नंबर 1, ठीक है ना, इनको फ्रॉम कर लीजिएगा। और इस तरीके से आपने नंबर 1 वाले जो सीक्वेंस था सीरीज थी उसको ऊपर रखा और इसको नीचे इस तरह से रखना है कि एस के नीचे तो ऐसा आएगा, लेकिन जैसे इससे पहले क्वेश्चन में कहा है कि जब हम इसे कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी जो फर्स्ट टर्म है उससे ये एक टर्म आगे को चले जाती है, जिसकी एक मिसाल दी थी कि अगर यहाँ पे ट्रेन के 10 डिब्बे हैं तो ये भी 10 डिब्बे हैं, लेकिन कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका मतलब एक डिब्बा हम आगे करते हैं तो यहाँ पे इसके नीचे कोई टर्म नहीं आती, लास्ट वाली जो टर्म नीचे की होती है ऊपर कोई भी नहीं होती। तो आज पहले और दूसरे क्वेश्चन की निस्बत जरा फुर्सत में बेहतर करके आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अगर वहां से क्वेश्चन नहीं समझ आएगा तो यकीनी तौर पे आज इस तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको ज्यादा बेहतर समझ आ जाएगा।
इसी तरह आपने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया तो वन में से हाफ लेस किया तो हाफ आपके पास बाकी बचा, वन टर्म सेम आ जाएगी। इसी तरह वन अपॉइंट टू एक तरह से एक्स की मानी है और थ्री में से वन को लेस किया तो टू आ चुका है और वही वन अपॉइंट टू की पावर है। और इस तरीके से ये होता है कि ये प्रोसेस सारा हमें याद रखना पड़ता है। इस प्रोसेस से ये होता है कि फर्स्ट टर्म के बाद जो आगे की टर्म्स होती हैं ये अपना जीपी मुकम्मल कर लेती हैं। लेकिन एक बात याद रखनी है कि जैसे यहाँ पे टू से टू कैंसिल हुआ, वन कर दिया, यहाँ टू की पावर एक कम हो गई, तो फर्स्ट टर्म जैसे यहाँ पे भी वन आ रहा है, अब यहाँ पे भी वन आ रहा है, तो ये यहाँ से अगर देखेंगे तो ये जीपी नहीं बन रहा। अगर हम यहाँ से देखेंगे तो पहली टर्म छोड़ने के बाद यहाँ से हमारा जीपी बनेगा और जीपी बनने के बाद हमें आगे क्या प्रोसेस करना होगा ये आपको बात समझनी होगी। और याद रखें कि ये जो लास्ट टर्म है इसकी साइन चेंज होने के बाद यहाँ पे आ रहा है, लेकिन इस सीक्वेंस में एक टर्म ये निकाल देने से जितनी भी ये टर्म्स होती हैं उससे एक टर्म कम हो जाती है। जैसे हम नेक्स्ट पेज पे जाएंगे तो हम यहाँ पे वन को सेपरेट करते हुए यहाँ पे ये बात कहेंगे कि ये जीपी है और इसमें एन माइनस वन टर्म, यानी कि एक टर्म कम करने से आपका एन जो है एन माइनस वन हो जाएगा। अब जैसे कि यहाँ पे हमने इसको दोबारा लिखा और जो बाद में कर रहा था कि टू एन माइनस वन टर्म, तो चूंकि फर्स्ट टर्म को जब यहाँ से हम निकाल देते हैं तो हमारे पास एक टर्म कम हो जाती है। एक्चुअली एन अगर टेन होता तो इस वक्त नाइन हो चुका है और ये हमें लाजमी करना पड़ेगा बुक के आंसर लाने के लिए। ये सारी टेक्निक्स को ओरिजिनल जो इसके तरीके हैं उसको फॉलो करने पड़ेंगे। और इस जानब अब आपके पास जीपी का फॉर्मूला लग जाएगा क्योंकि रेशियो आपकी वन अपॉइंट टू है जो कि लेस देन वन है और टी एन के फॉर्मूले के हिसाब से हमारा फॉर्मूला वन माइनस आर की पावर एन लगा। अगर ग्रेटर होता तो आर एन पहले होता माइनस वन बाद में होता और फर्स्ट टर्म वन वैसे ही आ जाएगी और यहाँ फॉर्मूले के मुताबिक हम लिख देंगे, लेकिन एन को एन नहीं लिखेंगे, एन माइनस वन लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे वन टर्म हमने कम की है जो कि यहाँ पे थी। और ये हमारी जो लास्ट टर्म है मतलब एक तरह से जो यहाँ पे सीक्वेंस से हर के टर्म आ रही है वो एंड तक वैसे के वैसे चलती रहेगी और यहाँ फॉर्मूले के मुताबिक चलाते रहेंगे। अब जैसे यहाँ टू अपॉन में था, ऊपर आने से ये होता है कि ब्रैकेट के ऊपर की जो पावर्स है उनकी साइन चेंज हो जाती है। ये आपको क्लास टेन के हवाले से बातें आनी चाहिए। तो एन माइनस प्लस से माइनस हो गया और माइनस वन प्लस वन हो गया। और इसी तरीके से नीचे वन में से हाफ लिया, हाफ किया तो एलसीएम ले लें, इस तरह से वन में से हाफ अगर लेस करते हैं तो हाफ आता है। और अगले स्टेप में ये होगा कि ये ऊपर जाके अपोजिट हो जाता है, वन अपॉइंट टू है तो टू ऊपर आ जाएगा, नीचे वन है। और इधर हमने इसको इस तरह किया कि किसी तरह से अपॉन हमारा खत्म हो जाए। अब यकीनी तौर पे ये टू जो है वो बारी बारी दोनों से मल्टीप्लाई होगा जबकि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म तो बिल्कुल वैसे के वैसे ही ये चल रही है। तो अब इसके बाद हमने अब चूंकि जितना करना था वो कर चुके हैं, अब सिर्फ पुट करना है एन की जगह 25 क्योंकि हमें 25 टर्म इसमें जो है इसका सम मालूम करना था। लेकिन याद है कि इसके क्वेश्चन में जो है वो 25 लिखा है लेकिन स्टार्टिंग में हमने इसको 30 लिख दिया हुआ है। तो अब इसको फर्दर जो है वो यहाँ पे जो एन की वैल्यूज है उसकी जगह हम ये सारी वैल्यूज को पुट कर देंगे और देख सकते हैं कि हमने वैल्यू को पुट कर दिया है। लेकिन इस जगह पे ये बात आपको देखनी है कि यहाँ पे हमारे पास इस तरह से प्रोसेस चल रहा है कि 2 की पावर माइनस 25 है और यहाँ पे एन जो है 25 है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 होगा, तो 1 लेस करेंगे तो 49। अब 2 की पावर यहाँ पे माइनस 25 है और यहाँ पे 2 में से यानी कि 2 अगर हम 25 में से लेस करते हैं और ये 2 इस तरीके से हुआ जिसको मैंने एक्सप्लेन किया तो था, लेकिन 2 वन 2 है तो 2 जैसे यहाँ मल्टीप्लाई हुआ तो इसकी पावर प्लस में 1 बढ़ चुकी है। अब 25 में से 2 लेस किया तो माइनस के 23 आ गए और यहाँ पे 2 और 1 3 हो चुके हैं। और चूंकि अब यहाँ पे 2 की पावर माइनस 23 है तो एक टेक्निक यहाँ पे यूज करते हैं कि जैसे 2 की पावर यहाँ पे माइनस 23 है तो यहाँ पे भी अगर वही शक्ल बना लेंगे तो हमें थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। लेकिन हमने 2 और 1 को तो 3 कर दिया और 2 की पावर नेगेटिव थी अपॉन में आगे पॉजिटिव कर दी, 49 ऊपर ही है, ये भी 2 की पावर माइनस 25 को अपॉन में लिया है। और हमने फिर एलसीएम को आसानी से लेने के लिए कुछ प्रोसेस इस तरह से किया कि यहाँ पे 2 की पावर 23 और 2 पावर अलग करते हुए 4 बना एलसीएम लिया तो ये दोनों हमें जो है वो एक जैसे मिल गए और 4 को भी हमने उतारा। अब ये 2 की पावर 23 से कैंसिल हुआ तो 4 बन 4 हो चुका है, प्लस के बाद ये सेम है तो 49 है, जैसे हमने ऐड किया तो यहाँ पे ये 53 बन चुका है। और 53 बनने के बाद नीचे जो है हमारे पास ऊपर 53 आ चुका है और नीचे अगर हम देखा जाए इस चीज़ को तो हमारे पास 2 की पावर 23 है और मल्टीप्लाई 4 है। तो अब सिलसिला कुछ इस तरीके से है कि यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम इसलिए नज़र आ रहा होगा कि ये जो 1 अपॉन 2 है थोड़ा डायरेक्ट मैंने किया है तो 2 जो है यहाँ पे इसको 6 किया है और ये 2 आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। जैसे 49 और 53 होता है तो ये 2 बुनियादी तौर पर जब यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हुआ है तो ये 6 हुआ है और यहाँ पे 53 के साथ 2 आ चुका है, 2 को 4 से कट किया तो 2 आया। और इस तरीके से हमने 2 की पावर दोबारा 24 कर दी और जो कि बुक से मैच हमने की है क्योंकि 2 की पावर बहुत बड़ी है जिसको हम मुकम्मल तौर पर सॉल्व नहीं कर सकते तो बुक में भी इतना ही छोड़ा हुआ है और यहाँ पे 53 हो चुका है। और इस तरीके से हमारा ये फाइनली आंसर इस क्वेश्चन का आ चुका है। उसी तरह से ये भी क्वेश्चन चलेगा आपका और सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को इसमें भी कंसिडर कर लेंगे ईपी के लिहाज से, जैसे 1 8 15 22 है ये ईपी के लिहाज से है और इसमें आप
एपी का टीएन का फॉर्मूला अप्लाई करते हुए बिल्कुल पहले क्वेश्चन की तरह आप टीएन टर्म मालूम करेंगे। इसी तरह इसी में जीपी जो है वो 1/5 1/5² 1/5 का क्यूब है, उसे भी कंसीडर करते हुए उसकी भी टीएन टर्म मालूम करेंगे। फिर जब यहां पे हम पहुंचेंगे तो लेट करेंगे एसएन को, और इस तरीके से के जो टीएन एपी को मल्टीपल फॉर्म में लिखते हुए आप यहां पे नंबर 1 कह देंगे, और इसके तरीके के मुताबिक जो इसका कॉमन रेशियो आता है, जैसे कि ऊपर 1/5 आया था जिससे आपको बहुत सारी मल्टीप्लाई करना है, तो हर टर्म जब मल्टीप्लाई होगी तो सिलसिला कुछ इस तरीके से होगा कि आपकी फर्स्ट टर्म जो है वो आपकी सेकंड टर्म के नीचे लिख दी जाएगी और लास्ट टर्म एक स्टेप आगे जाएगी। इसके लिए मैं पहले भी आपको ट्रेन की डिब्बो की मिसाल दे चुका हूं, तो लिहाजा उसी तरह से आपने हमेशा सब्ट्रैक्ट 2 को करना है फ्रॉम 1 में से। तो उसे मैंने काफी डिटेल से समझाया, इसको जल्दी में समझा रहा हूँ क्योंकि बिल्कुल सेम तरीका का है, आप स्क्रीनशॉट भी लेके समझ सकते हैं। तो एसएन के अंदर ये 1/5 को एसएन को लेस करेंगे और फर्स्ट टर्म हमेशा इसके नीचे, मतलब यहाँ पे इसके मुताबिक सेकंड सीक्वेंस में इसमें सीरीज में टर्म मौजूद नहीं होती, तो ये सेकंड टर्म के नीचे लिखा जाता है। फिर उसके बाद इसकी क्वांटिटी 8 है और यहाँ ना लिखी हो तो 1 होती है, इसी तरह 15 में से 8 लेस किया तो ये आपका जो है 1 टर्म + 7 1/5 ये आपका जीपी बन जाता है। लेकिन याद रहे कि इसके अंदर आपका जैसे ही जीपी बनता है तो अब आपने करना यूँ होता है कि आप इसके दो सिस्टम है और ज्यादा बेहतर है कि जैसे फर्स्ट टर्म को आप सेपरेट छोड़ दें और यहां से सेवन कॉमन लेने के बाद ये आपका जीपी रिलेशन या सीरीज बन जाएगी। तो अब सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, तो बिल्कुल उसी तरह 4/5 SN और इक्वल टू के बाद 1+7 यहां से हमने कॉमन ले लिया है। और याद रखें आपकी आसानी के लिए लास्ट टर्म ऊपर से लेके नीचे तक बिल्कुल सेम टू सेम आ रही है, और जैसे ये 1 है ये भी बिल्कुल सेम आ रहा है, और इसे याद रखिएगा सिर्फ और सिर्फ यहाँ 7 कॉमन लेने के बाद आपका अंदर का सीक्वेंस जीपी बन रहा है। और चूंकि 1 टर्म यहाँ से हमने अलग कर दिया इसलिए हमारा जो भी एन टर्म थी उसमें एक टर्म की कमी आ गई, जिसकी वजह से n-1 टर्म हम लिखते हैं यहाँ पे, और r चूंकि लेस देन 1 है 1/5 है, और यहाँ पे फॉर्मूले के मुताबिक जैसे a ब्रैकेट में 1 - r की पावर n होता है, लेकिन 1 तो आया लेकिन r की पावर n के बजाय n-1 सिर्फ इस वजह से आ रहा है कि यहाँ पे एक टर्म हमने कम कर दी हुई है, और बाकी ये कि नीचे 1 - r होता है तो r जैसे ही यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 4/5 आ जाएगा, और जो ये a यानी कि 1/5 है 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, और अब यहाँ 1 आ चुका है चूंकि एक नॉर्मल आइडेंटिटी है, मल्टीप्लाई होकर हमेशा सेकंड नंबर जो इससे डिफरेंट होता है वो आ जाता है, यहाँ कोई इफेक्ट नहीं डालता। 4-7 के नीचे आ चुका है और यहाँ पे हमने अब नॉर्मली सेम टू सेम सिचुएशन आ चुकी है। लाने के लिए लाजमी तौर पे हमें थोड़े से उसके स्टेप्स के मुताबिक चलना पड़ेगा, लेकिन अगर आप बुक से जरा आंसर चेंज ले आए तो कोई इश्यूज नहीं होता, लेकिन बुक के मुताबिक आंसर लाने के लिए यकीनी तौर पे आपको उसके मुताबिक प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अब ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई किया और आगे भी इससे मल्टीप्लाई किया, और ये तो जैसे बताया लास्ट तक वैसे ही चलेगा। अब इन दोनों का एलसीएम लिया तो आपका 4+7/4 आ चुका, और जबकि ये टर्म चूंकि कांस्टेंट से डिफरेंट है सेम रहेगी, बस ये कि जैसे 7/4 मल्टीप्लाई हुआ तो 1 की जगह 7 और नीचे 4 आ चुका है, और ये बिल्कुल सेम टू सेम नीचे आती जा रही है। और याद है कि एसएन के साथ जो मल्टीपल होता है आखिर में 5/4 यानी 5 ऊपर आ जाएगा 4 नीचे आ जाएगा, लेकिन अक्सर बच्चे मिस्टेक करते हैं, आपने लाजमी तौर पर स्टार्टिंग से एंड तक एक ब्रैकेट लगाना है और ये ब्रैकेट होना लाजमी है, इस तरीके से ये आंसर आ जाएगा। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 से पहले जो चेंजिंग आ रही है वो ये है कि फाइंड द सम ऑफ इन्फिनिटी ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। अब सवाल ये पैदा होता है कि पहले एन टर्म तक का सम था या कोई टर्म बताई जाती थी, लेकिन तमाम स्टूडेंट ये बात याद रखें कि आपके लिए तो यही बुक है, लेकिन गुज़श्ता सालों से जो बुक आ रही है उस हिसाब से जो पहले क्वेश्चन थे इस बुक में उनमें तब्दीली कर दी गई है, और वो तब्दीली आपको इस तरह से है कि देखें यहाँ पे चूंकि यह मैट्रिक और ज्योमेट्रिक सीरीज कहलाता है, AGS-B इसे कहा जाता है, और चूंकि नॉर्मली क्या होता है कि ये आपका कॉमन रेशियो और एपी का मल्टीपल हर टर्म होती है। अब यहाँ पे इशू ये आ रहा है कि ये इस तरह के क्वेश्चन पहले मौजूद नहीं थे, और जाहिर सी बात है कि नई बुक आए तो पूरी तरह कंफर्मेशन करके ही आपके सामने इस टॉपिक को बताया जाता है ताकि जो भी बताया जाए बिल्कुल ठीक हो। तो यहाँ पे 1 और 4 यानी कि 3 नंबर का डिफरेंस है, फिर यहाँ पे 5 का डिफरेंस आ रहा है, फिर यहाँ पे 7 का डिफरेंस आ रहा है, तो लिहाजा 1 1/3 यानी कि जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा 1/3 1/3² 1/3 का क्यूब, तो कॉमन रेशियो तो ऑलरेडी ठीक मौजूद है, लेकिन ये आपका 1/4 9 AP नहीं है, और इस सिलसिले को जो है इन्होंने नया दिया है। और अगर आप बुक की एग्जाम्पल भी देखें तो इन्होंने एग्जाम्पल इस लिहाज से नहीं दी, तो यकीनी तौर पे ये एक बहुत चैलेंज टॉपिक रहेगा, जो कि मैंने थोड़े से दिन लिया, लेकिन बहरहाल अल्लाह के फजलो करम से मैंने कंप्लीट कर लिया इसको। और जाहिर सी बात है कि एज अ टीचर हम सीनियर स्टूडेंट्स होते हैं, आप हमारे जूनियर होते हैं, तो बात अब चलाते हैं इसको आगे। अब आपने सबसे पहले लेट सम ऑफ इनफाइनाइट है, और इनफाइनाइट का मतलब है जहां ये रुकता ही नहीं है, चलता जाता है, ठीक है। अब सिर्फ हमने ये करना है कि कॉमन रेशियो को अब यही कहेंगे कि कॉमन रेशियो के जो आपके नंबर्स हैं उनको अलग करना, जैसे 1 है तो यहाँ पे 4/3 है तो 1/3 लिख दिया, +9 है तो मल्टीप्लाई 1/3²
तो लिहाजा ये जो कॉमन रेशियो है ना, ये तो आपका ठीक चल रहा है बिल्कुल, एक एक पावर बढ़ रही है तो कॉमन रेशियो सेम आ रहा है, और इसको नंबर वन कहना है यहाँ पे मैंने कहा है। और फिर इसके बाद जैसे कि इससे पहले हमने क्वेश्चन किए हैं कि जो भी कॉमन रेशियो होगा उसे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कॉमन रेशियो इसका जो है वो 1/3 आ रहा है जैसे कि नजर भी आ रहा है, लेकिन हम आर निकालते हैं कॉमन रेशियो T2/T1, यानी कि सेकेंड टर्म को अगर फर्स्ट टर्म से हम डिवाइड करेंगे तो इसका कॉमन रेशियो आ जाएगा। तो लिहाजा यहाँ पे एन टर्म का पहले क्वेश्चन की तरह का सिलसिला नहीं था, इसलिए हमने डायरेक्ट ही यहाँ से कॉमन रेशियो, आप चूंकि हमें इतनी बार समझ आ चुकी है कि कॉमन रेशियो कैसे निकलेगा, और जो भी निकलेगा हमें जो है वो आपका सिलसिला कुछ इस तरह से करना है कि कॉमन रेशियो से हमने बोथ साइड जो नंबर वन आपका रिलेशन आया है उसको मल्टीप्लाई करना है। तो आप तसल्ली से इसको देखें कि हर नंबर 1/3 से हर टर्म इससे मल्टीप्लाई हुई है, जिससे क्या होता है कि 1 × 1/3 है तो यहाँ पे 4 × 1/3 है, तो लिहाजा ये 1 जो है आपका सेपरेट हो जाएगा, और इस 1/3 आप अगर एक्स समझ रहे हैं तो 1/3 x² समझ लें, आगे ऐसे ही क्वेश्चन आने वाला है, इसे 1/3 का क्यूब है तो 1/x³ समझ लें, तो ये आपका कॉमन रेशियो है। तो जब कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई होता है तो सिलसिला यूं होता है कि आपकी फर्स्ट टर्म के बाद जो सेकंड टर्म है उससे हम इसको मतलब इस तरह होता है सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट 2 from 1 वी गेट। अब जो पहली वाला रिलेशन था हमने ऊपर लिखा और दूसरा रिलेशन हमने नीचे लिखा, और हर बार ये होता है कि 1 के नीचे कुछ भी नहीं आता और हमारी एक टर्म जो है वो आगे बढ़ जाती है। जैसे मैंने एग्जांपल दी थी कि अगर ये फर्स्ट करेंगे 10 टर्म है, अगर ट्रेन के 10 डिब्बे ले लें तो हम एक डिब्बा इससे आगे कर देते हैं, तो यहाँ पे भी एक नई टर्म सामने आ जाती है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे एन टर्म का सिलसिला नहीं है तो ये क्वेश्चन देखा जाए तो आसान हो जाता है, क्योंकि ना इसमें एपी से पीएन निकालना पड़ता है ना जीपी से आपको इसका टीएन निकालना पड़ता है, लास्ट टर्म कोई नहीं होती, इसी तरह से रहती है। अब जैसे पहले किया चूंकि ये 1/3 है तो इसका एलसीएम लेंगे, और एलसीएम लेने के बाद 2/3 आ जाएगा, 1 सेम टू सेम आ जाएगा, अब 4 में से 1 लेस करेंगे तो 3, 9 में से 4 लेस करेंगे तो 5, और इसी तरह 7, इसी तरह से 9। अब यहाँ पे देखें जो सिलसिला आया है वो ये है कि 1, 3, 5, 7, 9, अगर आप बुक के अंदर एग्जाम्पल देखें तो आप देख सकते हैं कि इस एग्जाम्पल के अंदर यहां से बात दी हुई है, और इससे पीछे का ये जो प्रोसेस है ये नहीं दिया हुआ, और यहाँ पे आपके दो दो नंबरों का डिफरेंस आ चुका है, लेकिन अगर हम इसको जो इससे पहले क्वेश्चन किए हैं उसके मुताबिक अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करते थे या इसी से ही अपना सिलसिला आगे को फाइनलाइज कर लेते थे, तो यहाँ जरूरी तौर पे यहाँ पे ये होना चाहिए था कि यहाँ से 3 अगर यहाँ लिखा है तो यहाँ पे भी 3 हो, यहाँ पे भी 3 हो, यहाँ पे भी 3 हो, लेकिन ऐसा नहीं लिखा आया, जिसकी वजह से ये एक नया क्वेश्चन नया हमारे फर्स्ट ईयर बुक में आ चुका है। तो इधर मजीद ये करना है कि आपको कॉमन रेशियो से एक बार इसको नंबर 3 कहने के बाद एक बार इसको दोबारा से कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हम इस क्वेश्चन का सम ऑफ इनफाइनाइट निकालने में कामयाब हो। तो यहाँ पे भी हमने जो है वो मजीद दोनों साइड हम लोगों ने मल्टीप्लाई करना है 1/3 से, तो यहाँ पे भी किया, हर टर्म को किया, और करने के बाद जो यहाँ पे रिलेशन आया है आप इसे नोट कर सकते हैं, इसे नंबर 4 कहना है। अब सिलसिला ये होगा कि हमें 3 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करना होगा, और जैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे सामने बिल्कुल जैसे इससे पहले हमने क्वेश्चन किया है 5.2 के बिल्कुल वही प्रोसेस बन जाएगा। और तमाम बच्चे याद रखें कि बुक के अंदर कम से कम एग्जांपल ऐसी होनी चाहिए थी कि इससे ये क्वेश्चन कवर हो जाते, क्योंकि ये एक क्वेश्चन नहीं है, इस तरह के कम से कम 3 क्वेश्चंस हैं, और कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो एग्जाम्पल जो आपको इनफाइनाइट की दी है जो उससे आप सॉल्व कर सके। आगे सिलसिला चलाते हैं इसमें, तो अब उसके बाद हम लोगों ने जैसे कि बोला कि नंबर सब्ट्रैक्ट करना होगा आपको, जैसे नंबर 3 और 4 को जो मुझे याद लिखना याद नहीं रहा, बहरहाल आप इसे लिख लीजिएगा सब्ट्रैक्ट नंबर 4 from 3, तो ये ऊपर आ चुका है, ये नीचे आ चुका है, और नीचे आने के बाद बिल्कुल उसी तरह से बात को मुख्तसर करते हुए हमने 1 सेम टू सेम उत्तर आएगा नीचे और बाकी सब्ट्रैक्ट लेते हुए। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इन दोनों का तो खैर एलसीएम आया, आप रफ साइड पे भी देख सकते हैं, लेकिन आप जीनियस हो जाएं तो बहुत ही अच्छी बात है, और हर जगह आप देखें यहाँ पे 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे 2, ये इससे पहले वाले स्टेप में आ जाना चाहिए था, लेकिन चूंकि नहीं आया और यहाँ पे हमें ये प्रोसेस करना पड़ा। अब यहाँ पे सिलसिला ये कि 4/9 तो वैसे ही रहेगा यहाँ पे एलसीएम लेने के बाद, और सम ऑफ इनफाइनाइट हमने लेट किया है, उसके बाद फर्स्ट टर्म को आपने सेम टू सेम ले लेना है, और यहाँ से 2 कॉमन लेने के बाद आपने ये फॉर्मूला ऊपर के बजाय नीचे लिखे तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि यहाँ पे कॉमन मुझे लेना था लेकिन मैंने नीचे जाके लिया, तो जैसे ही हम कॉमन लेंगे तो अंदर आपका जीपी बन जाएगा, और सम ऑफ इनफाइनाइट चैप्टर नंबर 4 से हमें ये फॉर्मूला पढ़ा है कि a/(1-r) है रेशियो 1/3 है, तो 1 + 2 इसका कॉमन और कॉमन रेशियो का फॉर्मूला लगाते हुए हमारे पास जो है वो इसका आंसर फॉर्मूले के तहत ar, और जैसे ही हमने एलसीएम लिया तो कैंसिल होने के बाद ये 2/2 यानी कि 1 हो जाएगा, और 1 और 1
टू होता है और नाइन यहाँ पे ऊपर आया फोर नीचे आया, तो जाहिर सी बात है टू और फोर ने कैंसिल होने के बाद नाइन अपॉइंट टू, तो मजा ही आ गया इस तरह बुक का हमारा आंसर आ गया। लेकिन याद रखेंगे इस क्वेश्चन के लिए मुझे काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ी, और जाहिर सी बात है जो टॉपिक्स नए आते हैं तो उसमें कुछ ट्रिक्स जो है ना तो यूट्यूब पे ऑलरेडी मिल रही होती है, तो मेरा इंशाल्लाह पहला चैनल होगा जो ये ट्रिक आपको बता रहा है। और यहाँ पे याद रखें कि तमाम देखने वाले मेरे स्टूडेंट, मेरा मकसद ऐसा नहीं है कि आप हर क्वेश्चन करें, हर क्वेश्चन करने वाला एग्जाम के ऊपर नंबर नहीं ले सकता, वही बच्चा कामयाब है जो एक सीखे और बाकी अपनी अकल से करे। तो उन्हीं बच्चों से मैं मुखातिब होते हुए बता रहा हूँ कि क्वेश्चन नंबर फाइव जो कि मैंने करवाया है, एट नाइन, ये तीनों क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसे हैं, खुद करेंगे बुक से आंसर आएगा, खुश होइएगा और हो सके तो मेरे हक में और मेरे लिए दुआ कीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं ताकि आज एक्सरसाइज पूरी पूरी खत्म हो जानी चाहिए। तो अब क्वेश्चन नंबर सिक्स है, और ये भी क्वेश्चन याद रखेंगे, क्वेश्चन नंबर सिक्स, सेवन और टेन तीनों क्वेश्चन एक जैसे हैं, और आपके आसानी के लिए मैं सॉल्व इसलिए कर लेता हूं कुछ राइटिंग बेहतर हो जाए और कुछ टाइम की बचत हो जाए, और इसी क्वेश्चन को अच्छा एक बात याद रखें कि ऐसे तमाम क्वेश्चन बहुत इजी होंगे जिसके अंदर आपको वेरिएबल्स दे दिए जाए। जैसे यहाँ पे देखें तो 1+9 ए लिखा हुआ है, फिर ए स्क्वायर है, फिर ए क्यूब है, तो लिहाजा कहने का मतलब है कि अगर दोनों आपके जीपी और यहाँ पे एपी तो नहीं कहूंगा मैं, क्योंकि यहाँ पे भी वही इशू आ रहा है कि 1 के बाद 9 है तो 8 नंबर का डिफरेंस है, और यहाँ पे तकरीबन आपका 16 नंबर का डिफरेंस है, तो ये भी उसी तरह से होगा। लेकिन इसमें एक आसानी है कि इसमें आपको जो है वो कॉमन रेशियो निकालना बड़ा इजी है, क्योंकि ए स्क्वायर ए क्यूब, और याद रखें कि जब सम ऑफ इनफाइनाइट फाइंड आउट करना होता है तो हमारे पास कॉमन रेशियो जो है वो 1 से छोटा होना चाहिए, जिसके लिए क्वेश्चन के साइड पर ये इंडिकेशन दी हुई है। लेट कर लिया सम ऑफ इनफाइनाइट का ये निशान है पूरा का पूरा क्वेश्चन, और इसको नंबर 1 कह दिया, और इसमें फिर वो फायदा है कि हमें लास्ट टर्म ना तो टीएन से ना जीपी से, यानी कि सॉरी एपी और जीपी से टीएन टर्म मालूम नहीं करनी, जबकि शुरू के क्वेश्चन में ये इशू था और इसमें भी आ सकता है, लेकिन बहरहाल जब इनफाइनाइट कहेंगे तो क्वेश्चन थोड़ा सा निस्बतन आसान होता है। अब कॉमन रेशियो यहाँ पे हमें डायरेक्ट नजर आ रहा है ए स्क्वायर ए क्यूब, तो हमने मल्टीप्लाई कॉमन रेशियो और ए ऑन बोथ साइड करना है, तो नंबर 1 जो आपका रिलेशन आया है दोनों साइड ए को मल्टीप्लाई करने के बाद, अब तो आप अच्छा खासा समझ चुके होंगे कि हमारी ए जो फर्स्ट टर्म है वो हमारी इंडिपेंडेंट हो जाती है, अकेले रह जाती है, जबकि ये एक प्रोसेस जो है वो एक टर्म आपका आगे हो जाता है। और अब हम यहाँ पे दोबारा उसी तरह से जैसे करते आए हैं सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1, यानी 1 के अंदर से ही हमने नंबर 2 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो नंबर 1 ऊपर आ जाएगी और नंबर 2 नीचे आ जाएगी, और फिर ये 1 जो है अकेला रह गया, और यहाँ पे क्योंकि ये ऐड नहीं हो सकता क्योंकि सम ऑफ इनफाइनाइट 1 है और यहाँ पे ए है, तो अगर यहाँ नंबर्स होते तो फिर तो ऐड हो जाता, तो यहाँ पे 1 में से लेस कर देंगे माइनस ए और सम ऑफ इनफाइनाइट कॉमन आ जाएगा, 1 सेम टू सेम आ गया, 9 ए में से 1 ए निकाले तो आजकल कितने बचते हैं 8 है। आप हंस रहे होंगे कि ऐसा जुमला मैंने क्यों बोला है, इसलिए कि महंगाई बहुत हो गई है, लेकिन नंबर तो वही है आज तक कि 9 ही है, चाहे वो आज से कदीम दौर की बात हो जो आज की भी बात हो, तो 9 में तो कोई कमी नहीं आ रही। लेकिन बहरहाल अब यहाँ पे +25 ए स्क्वायर में से हमने 9 निकाले तो आपके पास 16 ए स्क्वायर, और इसी तरह से यहाँ 24 ए क्यूब आ जाएंगे और इसे नंबर 3 कहेंगे। और याद रखें कि अगर बुक की एग्जांपल दी जा रही है तो उस तरीके से यहाँ पे आपका जो ये नंबर्स हैं ये सारे सेम आ जाएंगे, और सेम आने के बाद कॉमन लेने के बाद अंदर आपका जो है वो सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी के लिहाज से फॉर्मूला लग जाएगा, लेकिन चूंकि ये सेम नहीं आते तो एक बार इसे दोबारा से हम मल्टीप्लाई करेंगे ए से ऑन बोथ साइड, और जैसे हमने दोबारा मल्टीप्लाई किया तो जाहिर सी बात है 1 - a से आप ब्रैकेट के बारे एक दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, चाहे तो अंदर ले जाइएगा, लेकिन बेहतर है ना लेके जाएं, हो सकता है आगे जाके कैंसिल हो जाए। तो यहाँ पे आपके पास जो है वो सिलसिला इस तरह से आया कि जब आपने 1 को भी a से मल्टीप्लाई किया तो जाहिर सी बात है a आ जाएगा और सारे टर्म में a की पावर 1 इंक्रीज हो जाएगी, और फिर उसी तरह ऊपर नंबर 3 है नीचे नंबर 4 है, और 4 को सब्ट्रैक्ट करना होगा नंबर 3 में से, तो ऊपर आ गया नंबर आपका 3 और नीचे आ गया नंबर 4। और इसी प्रोसेस को थोड़ा सा जहन से और अच्छी तरह से देखिएगा कि हमने इन दोनों को साइन के लिहाज से ऐड करते हुए कॉमन ले लिया है, और 1 और 1 सेम टू सेम आ गया है, 8 में से आपने 1 निकाले तो 7, और यहाँ पे एक थोड़ा सा प्रोसेस आ रहा है कि यहाँ 7 आ रहा है और यहाँ पे 8 आ रहा है और यहाँ पे 8 ए क्यूब आ रहा है। तो इस क्वेश्चन में भी हमें एक सीखने को नई बात मिली कि ऐसा भी हो सकता है कि आपको चंद टर्म के अंदर से कॉमन डिफरेंस जो आ रहा है वो मतलब कि जैसे यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे भी 8 है, तो इससे आगे की भी टर्म अगर हमें दी होती यहाँ हम करते तो वहां से आपका ये नंबर जो है 8 8 ही आता, और यहाँ पे 1 चूंकि हम सीक्वेंस में छोड़ देते हैं
और यहाँ पे चूंकि 7 आया है 8 नहीं आया, तो हमें इस बार इन दोनों नंबरों को अपने सीक्वेंस से यानी इन तमाम क्रम से हटा देना है। याद रहे कि जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन करवाए थे जो मेरे चैनल से जिनका ताल्लुक है, वहां हमने देखा था कि अंदर जो है वो एस एन का फॉर्मूला एपी में जीपी में अप्लाई होता था और उसमें एन माइनस वन टर्म लेते थे, लेकिन चूंकि यहाँ पे यही फायदा हुआ है कि यहाँ पे हमें सम ऑफ इन्फाइनेट में कोई भी एन का तस्वुर नहीं होता, लिहाजा इसी वजह से वो प्रोसेस जो है यहाँ पे नहीं करना पड़ रहा। क्योंकि बहुत सारे सवाल आपके जहन में होते हैं लेकिन यूट्यूब के अंदर से आवाज नहीं आ सकती, लेकिन यहाँ पे मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में ये बात कहनी थी, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे आपने डायरेक्ट इन दोनों को, चूंकि ये दोनों टर्म हमारे सीक्वेंस से हटके हैं, तो अलग कर दी। और यहाँ पे 8 कॉमन लेने के बाद अंदर हमने बिल्कुल इसी तरह से सम ऑफ इन्फाइनेट का फॉर्मूला अप्लाई किया, कॉमन रेशियो 1/A आ रहा है जो कि ऊपर से हमें गिवन है, गिवन क्या हमने फाइंड आउट किया है। तो इस तरह से सम ऑफ इन्फाइनेट का फॉर्मूला इस जानिब लग जाएगा नेक्स्ट पेज पे, और ये दोनों बिल्कुल सेम टू सेम रहेंगे। तो अब जो है वो सिलसिला यूं होगा कि यहाँ पे क्योंकि जो हमें दिया हुआ था, अगर आप उसे पीछे करके और से देखें तो यहाँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा था, सम ऑफ इन्फाइनेट है और इन दोनों को हमने अलग से रखना है, और यहाँ पे इन्फाइनेट का जैसे फॉर्मूला लगाया और 8 कॉमन है, और कॉमन लेने के बाद 8 ए स्क्वायर 1 माइनस ए का क्यूब आखिर क्यों आया, क्योंकि ये दोनों ट्रंप से अलग अलग अपॉन में आ जाते हैं, और यहाँ चूंकि अपॉन में 1 है तो आपका स्क्वायर में आ गया, और इसी तरह से ये स्क्वायर और 1 पावर है और क्यूब हो गया। इस तरीके से बुक का आंसर आ चुका है, और इस तरीके से जो आपके बकिया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 10, ये आपका होमवर्क है। मुझे उम्मीद है कि जो आप लोग कर लेंगे वो लाजमी मैथ्स के अंदर 100 में से अप्रॉक्सीमेटली 90 से नंबर बढ़ा पाएंगे, और जो बच्चे इन दोनों क्वेश्चन को सीखने के बाद बाकी के क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे तो अल्लाह करे उनके भी नंबर अच्छे आए, लेकिन जो कर लेंगे श्योरिटी के साथ के 100 में से 90 से आपके नंबर बढ़ सकते हैं। और आपको एक टास्क भी मैं ये दे देता हूँ कि ये दो क्वेश्चन सीखने के बाद अगर आपने बाकिया क्वेश्चन मेरी वीडियो के बाद कर लिया तो आप समझ जाएं इंशाल्लाह आपके बोर्ड में 90 से ज्यादा आएंगे। इसी एंड के बाद, इसी काम के खत्म होने के बाद आपसे इजाजत चाहूंगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।